जी आर लाइव फाजिलका में आप सभी का स्वागत है। जालंधर में दिव्य श्री भागवत कथा व्यास पूज्य श्री इंद्रेय जी महाराज वृंदावन वालों की तरफ से 19 सितंबर से 25 सितंबर तक साईदा स्कूल ग्राउंड पटेल चौक जालंधर में बड़ी श्रद्धा भाव से करवाई जा रही है। जालंधर से विनोद सैन लक्की, बने रहे हमारे साथ, देखते रहे हमारा चैनल जी आर लाइव फाजिलका। नई अपडेट के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। हमारे लिए सबसे पहले अधर धरे ठाकुर जी, कुछ भी ऐसा होगा जो हमारे विपरीत है हमारे जीवन से, ये छूट जाएंगे, इनको किनारे कर देंगे। नहीं, चाहे जो हो जाए ठाकुर जी को मत छोड़ो, इनकी स्मृति मत छोड़ो। तो स्मरण आपके चिंतन में ठाकुर जी रहे, बस स्मृति में रहने चाहिए ठाकुर जी। अर्जुन ने कोई माला नहीं जपी थी वहां पर, ठाकुर जी अभी धनुष नहीं चला सकता, 11 माला तो हो जाए मेरी पहले पूरी, भगवान बोले सामने वाला मार देगा तुझको। अर्जुन से भगवान ने क्या कहा, युद्ध कर पर मेरी स्मृति के साथ न कर। युद्ध कर मतलब अपना कर्म कर, जितना व्यस्त तू रह सकता उतना व्यस्त रह, पर स्मृति में मैं हूं तेरा, इससे मेरे विश्वास रख। ये सारे विश्वास कितनी भी व्यस्तता हो तब हमारे चित्त में रहते हैं, ऐसा ही विश्वास ये भी रहे, ठाकुर जी मेरे हैं, श्री जी मेरे हैं, लाल जी मेरे हैं। ये विश्वास मात्र आपके चित्त में स्मृति बन करके बना रहे, आपको और कुछ करने की आवश्यकता नहीं। अपना कर्म कर चुके, किसका भजन करते हैं, किशोरी जी का ही भजन करते हैं, श्री जी का ही स्मरण करते हैं। निकुंज की लीला में आता है कि एक बार किशोरी जी ठाकुर जी की वंशी लेकर के बैठ गई। ठाकुर जी बोले जी कहाँ कर रही हो, बोले आज वंशी मैं बजाऊंगी। ठाकुर जी बोले ऐसा मत करो, बोले चो जी बजेगी ना आपसो। किशोरी जी बोली अच्छा हमसे ना बजेगी, बोले ना ही बजेगी। श्री जी मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, वंशी मत रख कोई चीज में। ठाकुर जी बोले मैं कम नया करो, श्री जी सर्वगुण संपन्न है, श्री जी सब जाने, पर मैं तो अपनी वंशी को दोष बता रहा हूँ जे श्री जी सो नहीं बजेगी। ऐसा कहा दोष है आपकी वंशी में? ठाकुर जी बोले अब मैं कहा बताऊं, आप एक काम करो बजा के देख लो बज जाए तो। श्री जी ने अपने अधर पर जैसी वेणु धारण करी, अपने कोमल छिद्रों से उसके छिद्र आच्छादित करके जैसे ही श्री जी ने प्राण पिरोए वंशी नहीं बजी। साक्षात गंधर्व प्रकट हो गए, सरस्वती प्रकट हो गई, संगीत के सारे राग रागनियां प्रकट हो गए और सब उस वंशी को टोकने लगे। अरे साक्षात किशोरी जी प्राण पिरो रही, तू बचती क्यों नहीं है? वंशी सबके आगे हाथ जोड़ रही, क्षमा करो मैं नहीं बच पाऊंगी। क्यों नहीं बचेगी? बोल उत्तर कृष्ण देंगे, उत्तर श्याम सुंदर देंगे। तो भगवान की सब पटरानियां किशोरी जी का दर्शन करने के लिए वर्णन करते हैं। दास किशोरी जी की दासियों को देख करके कृष्ण पटरानियों के चित्र में भाव आया, जब दासियां इतनी सुंदर हैं तो किशोरी जी कितनी सुंदर होंगी। और रुक्मणी जी ने जैसे ही पहली बार किशोरी जी को देखा, देखते ही रुक्मणी जी की स्थिति ऐसी हो गई कि अब रुक्मणी जी को वापस द्वारिका भी जाने की इच्छा नहीं। रुक्मणी जी कहती हैं मैं कुछ भी हो जाए श्री कृष्ण का त्याग नहीं कर सकती, पर किशोरी जी के दर्शन करके अब रुक्मणी जी की मनस्थिति ऐसी हो गई। तब किशोरी जी ने रुक्मणी जी को हृदय से लगा करके आज्ञा दी, हमारे प्राणेश आपके पास है, इसलिए जब तक वो लीला कर रहे हैं तब तक हमारी आज्ञा है, उनको ध्यान रखो और जब वे अपनी लीला पूरी करेंगे तो उनके सहित आप निकुंज में आ जाएंगे। इसीलिए भागवत जी में वर्णन है कि ठाकुर जी ने लीला पूरी करते समय अर्जुन को आज्ञा की हमारी अष्ट पत्नियों को लेकर के वृंदावन चले जाओ, किशोरी जी की शरण में दर्शन करके रुक्मणी जी की तो स्थिति ऐसी हो गई कि अब जाना ही नहीं है, अब तो इनके पास ही रहेंगे, इनकी शरण में ही रहेंगे।
ऐसे हमारी किशोरी जी को हम बारंबार वंदन करें, बारंबार प्रणाम करें, बारंबार उनके चरणन में बस यही भाव रखें कि हे श्यामा जी, हे किशोरी जी, आप कृपा करो, श्याम सुंदर सदा हमारे प्रिय बने रहें। मोहे तो भैरो श्रृंगार पेटिका खोली है और श्रृंगार पेटिका से लेकर के सुंदर सुंदर श्रृंगार निकाल करके ठाकुर जी को वनमाली वृंदावन वनमाली भेष बना रहे हैं। द्वारिकाधीश तो राजकीय श्रृंगार में रहते हैं ना, पर किशोरी जी आज ठाकुर जी को सुंदर सिर पर पाग पहनाई है, पाग पहना करके सुंदर मोती की लड़ धारण कराई है, सुंदर राजकीय वस्त्र उतार करके सामान्य सी धोती धारण कराई है, कमर में कारी कमरी बांधी है, गले में वैजंती माला पहना दी है, हार श्रृंगार के, गुलाब के, कमल के और भांति भांति के सुंदर सुगंधित पुष्प गले में धारण कराए हैं, केसर चंदन घिस करके श्री विशाखा जी लेकर के आई है। किशोरी जी ने अपनी उंगली से पत्रावली को श्रृंगार श्री ठाकुर जी को किया है और श्रृंगार करने के बाद में अब जैसे ही काजल लगाने और संपूर्ण श्रृंगार करने के बाद श्री जी ने जैसे ही ठाकुर जी को आलिंगन किया अपने ही तन के इत्र से ठाकुर जी को सुगंधित कर दिए और सब सखियों से बोली आज बहुत दिनान में श्याम सुंदर आए, राज के हाल को होना चाहिए और सब सखियों के मध्य में श्री ठाकुर जी और किशोरी जी पुनः राज विहार कर रहे हैं, द्वारिकाधीश के संग में श्री श्री जी को राज विहार कर रहे हैं। नाचे नटनी को आई, इस प्रकार श्री जी और ठाकुर जी का महाराज अनेक दिनों तक राज विहार चलता रहा। वाके बाद श्री जी ने ही राज को विश्राम किया और विश्राम करके ठाकुर जी को आज्ञा दी कब आप वापस। श्याम सुंदर बोले अब नहीं जा पाऊंगा, बोले नहीं वहां रुक्मणी आदि सब आपकी प्रतीक्षा कर रही है, अब जाओ। ठाकुर जी वापस आ गए, मैंने गोद में खिलाया, मैंने माथे में खिलाया, मैंने सब काम किए पर जन्म देने को सौभाग्य मोल नहीं मिला, जन्म देने को सौभाग्य तो आपको है कि हमारे धन्यवाद के रूप में आपके चरण में।